ਦੇਖ ਲੱਗੀ ਬਿਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਾ ਲਗੇ ਦੇਖ ਲੱਗੀ ਬਿਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਾ ਲਗੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹਮ असलाकुम फ्रेंड्स तो ये देखिए आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के नाश्ते के साथ तो यहाँ पर अभी है ना नाश्ता बन रहा है और यहाँ पर अभी ना पोहा बना रहे हैं थे तो उसके लिए पहले ऑयल गरम कर लिए और ऑयल के अंदर है ना थोड़ी सी राई और हम जो छिलेली दाल कहते हैं ना यहाँ पर शायद इसे फुटाने कहते हैं वो और सेंग डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद में इसमें जो आएगा अनियन है कड़ी पत्ता है ग्रीन चिली है थोड़ी सी हल्दी और कोतमिर ये सब इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लेंगे और पोहे को देखिए वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिए हैं और यहाँ पर है ना पोहा थोड़ा जाड़ा भी मिलता है और पतला भी मिलता है तो ये जाड़ा वाला पोहा है क्योंकि इसका ना टेस्ट अच्छा आता है और इसमें ऐड कर लेंगे अभी मसालों के साथ में और अच्छी तरीके से इसे एक से दो मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और ये देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे को है ना उन्होंने आज जो मैंने गिफ्ट किया था ना ड्रेस वो पहनाए थे बड़ा प्यारा लग रहा था और मामी अभी जो है सबके लिए नाश्ता सर्व कर रहे हैं और इसी के साथ में है ना यहाँ पर है ना जो मेरे कपड़े वगैरह थे तीन दिन हो गए थे तो मैं जब से आई हूँ तो कपड़े वॉश नहीं हुए हैं तो ये मैं अभी थोड़ा मशीन में लगा रही थी कपड़े और बाकी के जो कपड़े वगैरह थे थोड़े तो वो हमें हाथ से वॉश करने थे ये देखिए ये सारे मेरे कपड़े है ना दिन में है ना दो दो तीन तीन कपड़े निकल रहे हैं बच्चों के तो तीन जोड़ी रहते हैं और मेरे और हस्बैंड के ना दो 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 कंपलसरी निकल रहे हैं क्योंकि एक है ना दिन में हम पहनते हैं फिर एक बाद में रात में जब प्रोग्राम में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना तीन चार दिन के कपड़े जमा हो गए थे सफ़र के कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो आज सब कपड़े वॉश कर लेती और धूप देखी कितनी कड़क धूप है ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा धूप थी और ये वाले सारे कपड़े थे ना तो ये कलर के भी थे और थोड़े हैवी वगैरह भी थे तो मशीन में ना ये सारे कपड़े ख़राब हो जाते जो मशीन के थे वो मैंने मशीन में वॉश कर ली और जो हाथ के थे तो वो मैंने हाथ से वॉश करके डाल दी हूँ और धूप भी अच्छी खासी है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे और हमारे पास में फिर इसके बाद में दो दिन टाइम नहीं है बिकॉज आज हल्दी है कल भी शादी के लिए पूरा रेडी वगैरह होके जल्दी निकलना है यहाँ शादियाँ हैं ना मॉर्निंग में होती है तो इसके लिए फिर कल जल्दी भी निकलना रहेगा और ये में तो रही मैं सारी बॉटल वॉश करनी है तो मैंने अच्छी तरीके से गर्म पानी करके सब शेक वगैरह करके बॉटल को वॉश कर रही हूँ और इसकी वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर भी करी हूँ कल की जो मेरी वीडियो थी तो उसमें बॉटल वॉश करने की मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर करी हूँ तो आप ज़रूर जाकर उसे देखिएगा ताकि आपका जो छोटा बेबी हो तो आपको भी हेल्प हो जाए कि किस तरीके से बॉटल वॉश होती है तो बच्चे भी बीमार ना पड़े ज़्यादा और आपको इसे हेल्प भी मिल जाएगी तो ये सारे काम मैं अभी निपटा रही हूँ और इसके बाद में भी हम जा रहे हैं फ़्रेश होने के लिए और ये देखिए ये रहा मेरा हल्दी का ड्रेस और ये ना बच्चों की बैग थी तो मैंने आपके साथ में कहा था ना कि बच्चों के बैग के अंदर हमने हल्दी के और वलीमे के कपड़े रख दिए थे और ये रहा जोहेब का और ये हस्बैंड और जैन का है ये देखिए ये रहा मेरा इसका कलर है ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ड्रेस का मेरा और जैन जुहेब का ना मैचिंग हो गया था कलर और ये हस्बैंड और जैन का जो था वो उन दोनों का मैचिंग हो गया था तो हमने चारों ने ना दो 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 करके मैचिंग किए थे और इसके साथ में अभी जुहेब को और जैन को ना मैंने पहले लाइटली ड्रेस पहनाई हूँ नॉर्मली ये अभी मैं जुहेब को पहना दूँगी नहला के ताकि ना अभी से पिनाऊँगी ना तो वो रखेगा भी नहीं और ये जो हमें दोल्हन की मम्मी डैडी को ड्रेस देने हैं जो हमारे कजिन सिस्टर इन लॉ और जो उनके हस्बैंड हैं ये उनका ड्रेस रेडी है और ये रहे हल्दी का ये सिस्टर है ना जो मेरी कज़न सिस्टर उसका छूट गया था मांगटी का वगैरह जब वो लोग शॉपिंग के लिए आए थे तो वही अभी मैं लेके जा रही हूँ साथ में और ये अभी मैं भी है ना नॉर्मल सा ड्रेस पहन रही हूँ कॉटन का पाकिस्तानी जो कॉटन होते हैं ना तो वो मैंने लेकर आई थी साथ में तो अभी हम दिन में तो यही पहनेंगे बाकी रात में वो सब पहनेंगे तो रात का भी मैंने अभी से निकाल के रेडी रख दी हूँ ताकि आने के बाद में हमें ना ज़्यादा ताम झाम ना रहे और जो को चेंज वग़ैरह करवा दी हूँ कपड़े भी आधे सूख गए थे और जो बाकी के कपड़े हैं ना वो मैं जैन को बोल रही थी कि बेटा मुझे दे दो ताकि मैं है न घड़ी करके रख दूँ क्योंकि कल और परसों तो दो दिन हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और धूप तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और अभी हम है ना दुल्हन के घर पर जा रहे हैं यहाँ से अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं और हस्बैंड और जैन है ना जैन ने तो रेडी हो गया है लेकिन हस्बैंड बोले कि मैं आने के बाद नहा नहाँगा बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और अभी हम पहुंच गए थे दुल्हन के घर पे दुल्हन देखिए उनके सिस्टर को मेहंदी निकाल रही थी बहुत प्यारे डिज़ाइन लगाती है वो खुद भी और ये देखिए ये रही उनके डिज़ाइन माशाल्लाह से कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था कलर उनका हाथ में भी पैर में भी बहुत अच्छा कलर आया था और वो खुद इतनी प्यारे डिज़ाइन लगाती है ना तो उनकी बहन को लगा रही थी क्योंकि कोई और लगाने के लिए मिला नहीं था ना इसके लिए और ये देखिए मेरे कज़िन देवर जो है वो खाना बना रहे थे मतलब खाना तो सब मिल ही बना रहे थे लेकिन ये जो ना स्पून वगैरह रहते हैं ना बड़े बड़े तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हिलाने करने के लिए तो इसके लिए ज़्यादातर है ना ये काम तो जेंट्स लोग के ही हाथों में रहता है क्योंकि आप स्पून के साइज़ देखिए ना इतने हैवी रहते हैं और इतने बड़े रहते हैं ना स्पून तो लेडीज़ के तो हाथ में ही दर्द हो जाता है और ये देखिए मंडप बन गया है माशाल्लाह से और बहुत ही अच्छा लग रहा था और अभी यहाँ पर है ना मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं हरी सब्जी और इसके साथ में ना बैगन गाजर आलू सब मिक्स और यहाँ पर है ना सब्जी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है हमारे यहाँ पर कैसे इतनी ताज़ी फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है ना और यहाँ कैसे बहुत ही अच्छी सब्जी मिलती है आप विदाउट फ्रिज भी इसे रखोगे ना हम लास्ट ईयर भी एक जगह गाँव गए थे बीजापुर मेरी इन लॉस के गाँव में उन्होंने बिना फ्रिज के पालक रखे थे तीन से चार दिन के लिए बिल्कुल भी मुरझाई नहीं थी और ये देखिए यहाँ पर छड़ी है दाल और इसी के आगे यहाँ पर है राइस और ये अभी बन रही है सब्जी और चूल्हे पे बना रहे थे जैसे नहीं क्या लकड़ी वगैरह जला के और ये सब्ज़ी तो इन्होंने सिलेंडर वाला जो चूल्हा होता है ना उस पर बना रहे थे और ये कल शादी के लिए सब रेडी कर रहे हैं मैंने आपके साथ में शेयर करी थी ना गरम मसाला वगैरह सब पीस के रख रहे थे तो उसी के साथ में ना ये सब भी उन्हें देना पड़ता है और दाल जो है उसको बघार लगा दिए थे बिकॉज है ना बच्चों को भी भूख लगी थी और टाइम भी हो रखा था तीन साढ़े तीन बज रहे थे और ये देखिए माशाल्लाह से भाजी कितनी टेस्टी लग रही थी बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही थी भाजी और में टेस्ट भी बहुत अच्छा था जब हम खाने बैठे थे तो अच्छी लग रही थी और इसी के साथ में यहाँ देखिए ये दाल रही दाल को भी थोड़ा गर्म कर ले रहे थे साथ में और ये जो मेरे देवर है ना वही सब कर रहे थे ये देखिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी ये सब ना इतनी होती है ना तो मुश्किल हो जाता है लेडीज़ के लिए और अभी ये हटा के ना इसी के साथ में ना मटन की ग्रेवी बनाए थे इन्होंने लाइटली मतलब ज़्यादा भी पतली नहीं थी और ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं थी मीडियम जैसे थी तो ये मटन की ग्रेवी भी अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और ये भी है ना बाकी में बहुत टेस्टी थी और इसे भी इन्होंने ना हरे मसाले में बनाए थे तो इसका भी जायका ना बहुत अच्छा लग रहा था और ये देखिए ये रही दाल दाल भी जो है बघार लग गया था दाल को और इसे गर्म भी कर दिए हैं और इसी के साथ में यहाँ रहा राइस हमारा और राइस भी है ना बघारत है बगैर राइस रहने से क्या होता है ना कि ग्रेवी वगैरह थोड़ी कम लगती है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है तो ये रहा राइस और अभी सब देखिए कोतमीर पुदीना सब पूरा रेडी करके दे रही कितनी सारी क्वांटिटी है देखिए बहुत ही मतलब ना ताम झाम बहुत रहते हैं यहाँ पर हल्दी के दिन हल्दी से एक दो दिन पहले से ही सारा काम करके रेडी रखना पड़ता है चाहे दोल्हन का घर हो या दूल्हे का घर हो आपको यहाँ पर है ना खुद से ही रेडी करके शादी वाले दिन सब देना पड़ता है और ये देखिए यहाँ पर है ना सब एक दूसरे को मेहंदी लगाते बैठे थे और यहाँ ना कोई भी प्रोग्राम के पहले ना फातिया होती है तो वो ये भी फ़ातिया वगैरह दिला रहे थे जो लड़की थी ना तो उसके दादा जानी मतलब दिला रहे थे और मेरी कज़न सिस्टर है ना वो अपनी बैंगल्स दिखा रहे थे और ये देखिए ये दुल्हन ने मेहंदी लगा दिए थे और ये मेरी एक और है ना कज़िन भाभी थे उनकी पायल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उन्होंने और उनकी लड़की ने ना दोनों ने पहनी हुई थी बड़ी प्यारी डिज़ाइन लग रही थी पायजेब टाइप में और यहाँ ना चांदी काली नहीं पड़ती हमारे बॉम्बे में तो समंदर का खारा पानी होता है ना तो काली पड़ जाती है चांदी लेकिन यहाँ पर नहीं होती है और ये अभी सब जन मिल खाना निकाल रहे थे ये रही राइस राइस के साथ में यहाँ पर मटन की जो लाइटली ग्रेवी बनी थी वो और इसी के साथ में सब्जी और है ना जेंट्स लोग जो बाहर बैठे थे खाने के लिए और लेडीज़ लोग है ना अंदर बैठ रहे थे और ये देखिए ये मेरी प्लेट उन्होंने बना के दे दी है लेकिन ये प्लेट है ना मैंने अंदर जाने के बाद में हमने तीन जन ने मिल खाई इतना ज़्यादा क्वान्टिट्टी थी और ये देखिए माशाला से सब जेंट्स मिल बैठे खाना खाने के लिए यहाँ बाहरी टेबल लगा दिए थे तो भारी मतलब सब बैठ गए थे खाने के लिए और ये सब हम लेडीज़ हैं ना अंदर बैठे थे खाना खाने के लिए और ये देखिए बच्चों को भी साथ में खिला रहे थे और हम लोग भी खा रहे थे और इसके बाद में ना जैन जिद कर रहा था थोड़ा बाहर राउंड मार के लाओ जोहेब भी परेशान कर रहा था तो हस्बैंड ने ना जैन और जोहेब दोनों को है ना बाहर लेकर आ गए थे नारियल पानी पिलाने के लिए यहाँ पर गांव साइड में ना नारियल पानी का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है मैंने तो ज़्यादा नहीं पी खैर एक ही टाइम पी हूँ लेकिन है ना फिर भी टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है और हमारे बॉम्बे में कितना महंगा होता है यहाँ पर है ना वैसा नहीं रहता है यहाँ पर प्राइस कम होता है क्योंकि यहाँ पर तो निकलते हैं ना नारियल वग़ैरह और हमारे यहाँ पर आने तक टैक्स वग़ैरह लग के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सारा मतलब पेट्रोल वगैरह हर चीज़ ट्रैवलिंग सब इंक्लूड होके आता है तो प्राइस बहुत बढ़ गया है और ये देखिए अब सारी लेडीज बैठ गई है जिंजर गार्लिक पूरा क्लीन करने के लिए अदरक तो हो गई थी लहसन पूरी साफ करते बैठे हैं बेचारे बहुत थक जाते हैं ये सब करते करते और ये दुल्हन की जो हल्दी का मंडप था वो भी रेडी हो गया है माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था ये देखिए येलो एंड रेड का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था और उसके साथ में ऊपर का भी जो मंडप है वो भी अच्छा लग रहा था और बैक साइड में भी देखिए और अभी थोड़ा सी काम बाकी है इसमें तो इन रात तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अभी हम भी जा रहे हैं घर पे फ्रेश वगैरह होने के लिए और ये देखिए ये अभी हम पहुंच गए थे घर और ये तीनों देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे थे और ये रही मेरी आज की आउटफिट और ये मुझे ना ऊपर टिप्स लगाने का मौका मिला ही नहीं था तो अभी तक तो मैंने लगाई नहीं हूँ और ड्रेस भी मेरा माशाला से बड़ा प्यारा लग रहा था और अभी हम सब निकल रहे हैं जाने के लिए और अभी ये देखिए ये दुल्हन और उसके सिस्टर और यहाँ पर है ना फोटोग्राफर को भी आज बुलाए थे क्योंकि बड़ी हल्दी थी ना मेन हल्दी जो होती है ना वो थी आज और कल तो निकाह है तो इसके लिए वीडियो शूटिंग वाले को भी बुलाए थे तो अभी सब है ना दुल्हन को रेडी करके शूट वगैरह करेंगे हल्दी का ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से ना बड़ी प्यारी लग रही थी उनका ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा था अभी दूल्हे के यहाँ से तो आया नहीं था ये दुल्हन का ही मतलब जो माइके का ड्रेस होता है ना ये वो था और बस ऐसे ही थोड़े से वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर ऐसे ना रिवाज़ होता है जैसे थोड़ी बहुत है ना रस्में रहती हैं तो वही अभी रस्म वगैरह करेंगे क्या बोल रहा है यार कैसे करता है किचन चला है तुलसी ना बेगा हां अरे तू क्या नहीं हां और ये देखिए जुब भी सता रहा था तो जोएब को भी मैं ना ऐसी दुकान वगैरह लेके जाऊंगी बोल के उसे बुला रही थी और यहाँ हम सब मिलके ना थोड़े से फोटोज वगैरह निकलवाए और बच्चों को भी बिठा के ना मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी ये देखिए ये मेरी जेठानी की लड़की है ये मेरी ननन की लड़की है बड़ी वाली जोया ये मेरी ईद की वीडियो में आपने देखे होंगे ईद की जो मेरी व्लॉग आई थी तो माशाल्लाह से उसमें भी बड़ी प्यारी लग रही थी ये लोग थे और जैन जोहेब जोहेब देखिए कितने मज़े से बैठा है जोहेब भी साथ में और इन लोगों को ना बच्चों की थोड़ी सी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली थी और भी जितनी मेरी कज़िन्स थी ना यहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा परिवार है तो वो लोग भी आए थे उनके भी बच्चे थे तो सबको बिठा के मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और ये देखिए माशाल्लाह से बरी आई थी अभी दूल्हे के वहाँ से दुल्हन के लिए तो बहुत ही प्यारा लग रहा था शरारे वगैरह थे ड्रेस थे सैट्स था और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो सारा सामान था बहुत अच्छी बरी आई थी और बरी वगैरह के तो बहुत लोग मतलब ऐसे करते हैं ना जैसे मतलब हल्दी में आते हैं ना तो स्पेशली बरी देखने आते हैं हर कोई ऐसा होता है ये देखिए बहुत ही अच्छी बरी आई थी वीडियोग्राफर जो थे वो वीडियो वगैरह निकाल रहे थे और इसी के साथ में ना मैंने भी थोड़ी सी यहाँ पर फोटोज़ वगैरह ले ली और जो गोल्ड वगैरह की चीज़ें आई थी ना तो वो उन्होंने हटा दिए थे बिकॉज अभी सामान ऐसे ही रहेगा ना यहाँ पर लगा हुआ कभी बच्चे इधर उधर फेंक दे या कुछ कर दे तो इसके लिए गोल्ड की जो ज्वेलरी थी वो अक्सर करके कहीं पर भी आप बरी में जाओगे ना तो पहले हटा देते हैं वहाँ से और जो है कि फ्लावर कैसे चुनते बैठा हुआ है और इसी के साथ में यहाँ पर बच्चों को मैं दुकान लेकर आ गई थी और जितने भी जेंट्स थे ना मेरे हस्बैंड और भी देवर वगैरह वो सब हॉल पे गए थे हॉल में डेकोरेशन भी जो रहता है ना वो भी हमें खुद के बंदे को खड़ा करके करवाना पड़ता है तो वो लोग वहाँ गए थे जोहेब ज़िद कर रहा था उनके साथ में तो अभी मैं जोहेब को और भी जितनी मेरी कज़न सिस्टर्स थी वो उनके बच्चे तो सब हम ऐसे ना आए वहीं हैं पास में ही है ना घर के बाजू में ही दुकान थी तो वहीं आए थे और अभी रसम वगैरह चालू हो गई है तो ये देखिए मैं अभी रसम कर रही हूँ और इसी के साथ में हस्बैंड भी आ गए थे तो हस्बैंड भी हमारे साथ बैठ गए तो थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह भी हम निकाल रहे हैं साथ में और ये देखिए अभी यहाँ पर है ना मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम किया गया था और मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पर वो जो रहता है जो पोहा वगैरह बनाए थे और इसी के साथ में पूरी है तो आधे तो तीन चार बॉक्स तो दुल्हन के साथ में चले जाते हैं और बाकी आधे रखे रहते हैं हल्दी में जितने भी मेहमान आते हैं ना आस पड़ोस वाले हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें ना उनको भी मतलब नाश्ते के तौर पे दी जाती है और ये देखिए ये पूरी प्लेट वगैरह सजा के चाय वगैरह है और उसके साथ में ये पूरी जो होती है वो और पोहे का जो चूड़ा होता है वो सब रख के दे रहे और ऐसे ही देखिए अभी थोड़ी सी फ़ोटोज़ शूट हो रही है सब लोग फोटो वगैरह वीडियो शूट कर रहे थे और अभी हम अंदर आ गए हैं अच्छा खासा हमने इंजॉय की माशाला से और जेंट्स वगैरह का खाना वगैरह भी हो चुका था और जो को देखिए ये ब्राइट टीम का पैक जो था वो लेके ऐसे ही बैठा हुआ था लगा के और ये दुल्हन को ना दूल्हे वाले के यहाँ से जो ड्रेस आया था ना वो था माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था और उनकी मेहंदी तो देखिए कितना और कलर अच्छा चढ़ गया है और ड्रेस भी ना उनका बहुत अच्छा लग रहा था गाउन टाइप में था और अच्छा दिख रहा था स्लीव्स वगैरह भी देखिए अच्छी दिख रही थी इसकी और दूल्हे वालों का आने के बाद में ना दुल्हन का ड्रेस चेंज करके फिर दूल्हे वालों का पहनाना पड़ता है और ये दुल्हन को एक कज़िन सिस्टर थी उन्होंने है ना गिफ्ट किए थे जो क्लॉक होती है ना वॉल की वो इन्होंने गिफ्ट किए थे अच्छी लग रही थी इसमें कि मेरे पास में भी ना गोल्डन कलर में है वाइट एंड गोल्डन बड़ी प्यारी लगती है और अभी हम उनके मम्मी डैडी को बिठा के रसम वगैरह कर रहे थे और इसी के साथ में यहाँ पर अभी लेडीज़ का खाना चालू है अंदर और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पर देखिए ये खाने का इंतज़ाम किया हुआ था अच्छा खासा और सब खाना वगैरह खा के फारिक हो गए हैं और यहाँ पर अभी कुछ ना रसम वगैरह हो रही है घर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा